नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फॉर भारत में। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। राजधानी पटना के खेतान मार्केट में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पटना महानगर अध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के सपोर्ट में मार्च निकाला, जिसमें लोगों ने इस कानून का जमकर समर्थन किया। इसके साथ ही CAA के सपोर्ट में हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेकर जन समर्थन किया। इस हस्ताक्षर में हर समुदाय और वर्ग के युवा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के भाजयुमो अध्यक्ष सह बांकीपुर विधायक नितिन नवीन मौजूद थे। CAA में समर्थन में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के समर्थन में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं, हर जगह हर मोहल्ला में हम लोग कर रहे हैं युवा मोर्चा पटना महानगर, ताकि पूरे देश को संदेश दिया जाए, ताकि लोगों को संदेश दिया जाए। इस तरीके विपक्ष के कुछ लोग जिस तरीके से गलत तरीके से बढ़ा रहे हैं CAA कानून को, ये बता रहे कि नागरिकता लेने का जबकि सही बात है, ये नागरिकता देने का प्रावधान है जो अल्पसंख्यक लोग जो पाकिस्तान बांग्लादेश बोलना चाहूँगा कि इस कानून के बारे में जो इस तरह की अभी विपक्ष के द्वारा जो मंशा फैलाई जा रही है वो इससे ये है कि वो लोगों को डरा रहे हैं, वो ये कहकर डरा रहे हैं कि जो नागरिकता संशोधन कानून वो आपकी नागरिकता को ले लेगा। जबकि जो मुसलमान है अगर देखा जाए तो हमारे देश में जितने माइनॉरिटी वो यहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, उनको हम कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई सुधार की अगर मंशा तैयार होती है तो उसमें उनको साथ देना चाहिए और विपक्ष के लोगों को ये समझना चाहिए कि ये वोट बैंक की राजनीति करना बंद करें। अगर आप देखिए जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय अल्पसंख्यक कितने हमारे पास आए थे, हमारे पास अभी के समय में अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ते जा रही है, वो तकरीबन 35 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, वो हमारे हैं जिसको हम 135 करोड़ लोगों में संबोधित करते हैं। इसलिए उनको ये चीज समझना होगा कि गलत कौन है, और जहां तक विपक्ष अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहा है तो उनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन से भाषा में उनका गेजेट लिखा हुआ है। जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि अगर आपको समझने में परेशानियां आ रही है इंग्लिश और हिंदी में तो आपको इटालियन लैंग्वेज में हम लोग अनुवाद कर आपको दे सकते हैं पढ़ने के लिए, और लोगों का समर्थन हमें प्राप्त होता जा रहा है जो सही लोग हैं। कितना आइडिया कितना इस आप लोग के साथ जुड़ने वाला है? इसमें तकरीबन हमारे साथ जितने 9 युवक हैं और जिस जगह पे हम लोग ये कार्य कर रहे हैं सब्जी मंडी में, इसमें हमारा प्रयास है कि हम सारे लोगों को जोड़े, जो अल्पसंख्यक हैं हमारे और जो हमारे बहुसंख्यक हैं सबको जोड़कर एक भाईचारे का संदेश देंगे, इसके लिए हम तत्पर हैं और इसीलिए हम लोगों ने आगे आई सपोर्ट को लगाया। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।